हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल चांदनीज लाइफस्टाइल में। दोस्तों, जैसा कि पता ही है आपको कि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में बहुत सारी भाजियां मिलती है, इसीलिए मैं आज आपके सामने एक बथुआ की पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, बथुआ का पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बथुआ लिया है। अब इसे हम अच्छी तरीके से साफ करेंगे, उसके बाद इसे 3-4 पानी से वॉश करेंगे। इस तरीके से हम इसकी पत्तियों को इसकी डंडी से अलग करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने बथुए को उसके डंठल से अलग कर लिया है और अब हम इसे 3-4 बार पानी से धो लेंगे। बथुए को अच्छे से मैंने पानी से धो लिया और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है और अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में बारीक बारीक कट कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर गेहूँ का आटा ले लिया है और अब हम इसमें मिक्स करेंगे बथुआ। हरी मिर्च, अदरक, अजवाइन, धनिया का पत्ता, अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, दो चम्मच बेसन, सूखी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर। अब हम इसे अच्छी तरीके से अपने हाथों से पहले मिलाएंगे। अब हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसका हम डो बनाएंगे। तो ये हमारा डो बनके तैयार है। अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारी डो तैयार हो रही है, तब तक हम टमाटर की चटनी बना लेते हैं बथुए के पराठे के साथ खाने के लिए। तो हमने यहाँ पे 4 टमाटर लिए हैं, उसको हम कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे टमाटरों को कट कर लिया। अब इसमें हम 2 हरी मिर्च और 8-10 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। फिर हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो चलिए अभी ऐसा हम ओपन करके देखते हैं। एक बार और इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये हमारी टमाटर की चटनी तैयार है बिल्कुल। अब हम इसमें थोड़ी धनिया डाल देंगे और इसे मिक्स करते हुए गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे।
तो डो ये हमारा बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम इसके पराठा बेल लेते हैं। अब इस लोई में मैंने थोड़ा सा आटा लगा लिया है, अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा ऑयल लगाएंगे। अब इनको चारों तरफ फोल्ड करते हुए लोई को वापस से बेलेंगे। इस तरह गोल गोल घुमाते हुए हम इसे गोल बेल लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा पराठा बेल चुका है, अब हम इसे सेकेंगे तवे पर। तो दोस्तों ये मैंने तवा पहले से ही गैस पे चढ़ा रखा था, ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने पराठे डालेंगे। जब तक हमारा पराठा सिक रहा है हम दूसरा पराठा बेल लेंगे। अब हम पराठे को पलट देंगे। तो दोस्तों अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे। तो दोस्तों ये पराठा अब हमारा सिक चुका है दोनों तरफ से, ये देखिए। अब हम इसे तवे से निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं दूसरा पराठा भी डालती हूँ। तो दोस्तों तैयार है ये बथुए का पराठा और टमाटर की चटनी तैयार। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसे लगी, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।